What is the party for, Dr. Banerjee? Well, Sebastian, that remains a mystery for all of us too. क्यों मिस्टर कार्रा? आपको तो मालूम है डॉक्टर, समीर के पार्टी देने का स्टाइल। लेकिन ये पार्टी और इस क्रूज पर, no, there's got to be something more. फिर भी आज ओकेजन क्या है? ओकेजन है डॉक्टर, ओकेजन है। Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for coming here tonight. Thanks, thanks a million. कुछ देर पहले इस हाल में बहुत सी सरगोशियां और हैरत मना रही थी। सबके जहन में एक ही सवाल था कि आज ओकेजन क्या है। Let me tell you, ladies and gentlemen, आज मेरी बेटी अंजलि का 18वां जन्मदिन है। पर बात यहाँ पर आकर खत्म नहीं हो जाती दोस्तों, आज तो इससे भी बड़ा ओकेजन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको मिलवाना चाहूंगा आपके शहर के और मेरे बचपन के दोस्त, यहाँ के बहुत बड़े इंडस्ट्रियस मिस्टर सरबजीत कालरा से। आज से कई साल पहले हमने अपने देश से विदेश के लिए उड़ान ली और आज इस मुकाम तक हम लोग साथ साथ हैं। और आज मैं अपनी दोस्ती को एक रिश्तेदारी में बदलने जा रहा हूँ। मैं अपनी बेटी अंजलि का रिश्ता इनके बेटे मिकी के साथ करूँ। Open your mouth, Anjali. Nicole, take the blood pressure and give me the count. Show me the reports. Sure. Yes, doctor. Relax, Anjali. All the reports are absolutely normal. There's nothing to worry at all. Now, relax, Amir. पर बैनर्जी, इसके साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर आज अचानक इसके साथ? भाभी जी, इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, भूख और बढ़ती उम्र भी। समीर, शायद आपने उसे नाचते हुए नहीं देखा, एक एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पे। बहुत खुश थी अंजलि, शायद अपना मनपसंद जीवन साथी मिलने पर। क्यों अंजलि? कम समीर, मैं कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिख कर देता हूँ।
I would love to, but I'm really sorry, okay? Bye-bye. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, bete. Hey, Anjali. Kya hua? Did you sleep well last night? No, mama. Last night I saw a very weird kind of a dream. Dream? Kaisa sapna, bete? Mama. Mama, maine dekha ki ek ladka aur ladki. Some horses chasing them. They're running towards the temple. Then I see only the temple. Mama, I could hear some holy chants. You know Aarti? That's getting louder and louder. Ek minute, ek minute. Tune mandir kaha na? Haan, mama. Temple. Everything is very dusty and very stormy and somebody's fighting for life. Suddenly I feel very choked up. There's blood everywhere. I feel as if somebody's calling me. मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि कहीं वो मंदिर ऐसा तो नहीं था बेटी? Absolutely ऐसे ही मम्मी, ऐसे ही. स्कूल में तो हमेशा ऐसी पेंटिंग बनाती थी. But after fifth grade you just stopped making it. यहाँ पे एक ट्री था और यहाँ पे एक रिवर, या और शायद देवी माँ पे एक दुपट्टा लाल रंग का, या बिल्कुल ऐसे ही था. ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम नमः. कभी हिंदुस्तान गई हो बेटी? जी, ये तो पैदा ही यहाँ हुई है. इसके जन्म के बाद हम कभी हिंदुस्तान नहीं गए स्वामी जी. पर अब जाएगी हिंदुस्तान, अवश्य जाएगी. क्या मतलब? इसका शरीर तो यहाँ अवश्य है, पर इसकी आत्मा की डोर वहां किसी और आत्मा से जुड़ी हुई है. और जब जब वो आत्मा इसे अपनी ओर खींचती है, ये खींची चली जाती है. और इस बार तो खींच बहुत जोर की है. मैं समझी नहीं स्वामी जी. इसका प्यार जो पिछले जन्म अधूरा रह गया था, वो इस जन्म में पूरा होगा. और यदि ये दोनों इस जन्म में भी ना मिल सके, तो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे. समय आ गया है. अब के बरस इन दो आत्माओं का मिलन तो होना ही है. तुम बिल्कुल ठीक समझ रही हो, यह इस बच्ची का पुनर्जन्म है. You mean reincarnation? हाँ, पुनर्जन्म. ये क्या बेतुकी सी बातें कर रहे हो तुम लोग? पुनर्जन्म, reincarnation, उस बाबा ने तुम लोगों से कहा और तुम लोग मान गए. प्रेरणा, तुम तो पढ़ी लिखी हो. अंजलि, what's wrong with you? पापा, even I don't believe. But then, why those dreams? अरे कोई किताब पढ़ी होगी या तस्वीरें देखी होंगी और some movies. It can be anything. जो दिमाग में बस गया वो बार बार आने लगा. पापा, क्या मैं इंडिया जा सकती हूँ? Just once. बेशक बेटे, पर शादी के बाद, after 20 days. मामा, समीर, don't you think हम इसकी शादी थोड़ी जल्दी में कर रहे हैं? What? I want to find out why these nightmares are disturbing me. पापा, मुझे इंडिया जाने दो before my marriage. Okay, हम तुम्हें तुम्हारे हनीमून के लिए वहाँ भेजेंगे. तुम मिकी के साथ सारा इंडिया घूम लेना. And your all nightmares will turn into sweet dreams. Okay, बेटा. ढूंढूंगी कहाँ स्वामी जी? वो तुम्हें उसी जगह मिलेगा जहां तुम लोग बिछड़े थे. तुम्हारे हर सवाल का जवाब ये तस्वीर है. यही तुम्हारे सफर की शुरुआत होगी और यही होगा तुम्हारे सफर का अंत. पर मैं उसे पहचानूंगी कैसे? प्यार खुद प्यार को पहचान लेगा बेटी. ए
डैमेज। मैं नहीं जानता था कि ये लड़की ऐसा भी कर सकती। मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? समीर, आई डोंट केयर। मिनोचा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। कैन यू फाइंड आउट व्हिच फ्लाइट हैज लेफ्ट फॉर इंडिया टुडे? यस, मेरी बच्ची अनजाने देश में कहां जाएगी, किसे ढूंढेगी?
हर जगह ये नजर, कभी कहीं मिले वो तो बने कहानियां। सारी उम्र मैं रहूं 18 साल का, सारी उम्र मैं रहूं 18 साल का। सारी उम्र मैं रहूं 18 साल का, 18 साल का, 18 साल का, 18 साल का। अंधी औंधी प्रीत में क्यों छोड़े घर बार, चैन नहीं दिन रैन नहीं क्यों भटके बेकार। मामा जी आप यहाँ? यस अंजलि, डीसीपी सिकंदर बख्श को ये मालूम था कि उसकी भांजी उससे बहुत नाराज है क्योंकि वो उसके एंगेजमेंट पर नहीं पहुंच सका। क्या करें बेटा, पुलिस की नौकरी ही ऐसी। कम ऑन गिव मी आप। रिलैक्स अंजलि, नैयर सामान चेक इन करवा लो और बोर्डिंग पास लेकर फौरन यहाँ। ओके मामा, ये सब क्या हो रहा है मामा जी? तुम्हारे मम्मी पापा बहुत परेशान है, यू विल हैव टू गो बैक। व्हाट? भाई तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मिल लिए। व्हाट एल्स? कम ऑन सिट डाउन। मामा जी व्हाई यू आर सो स्ट्रिक्ट ऑलवेज? ओ कहते हैं ना, जवान औलाद और टेलीफोन को रोज चेक करते रहना चाहिए, कभी भी बिगड़ सकते हैं। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सर बोर्डिंग पास, फ्लाइट इज ऑन टाइम सर। गुड, आई थिंक वी शुड गेट गोइंग। मामा जी कैन आई जस्ट फ्रेशन अप प्लीज? श्योर, व्हाई नॉट। Let's go. Yes, sir. Uttar ji, idhar udhar nahi dekhna, goliyan chal jandi hai thai thai. Oye, dekhte nahi ho, auraton ke liye hai? Hum bhi to auraton ke liye, hum kaun sa mardon ke liye? Chup bet kahin ka. Ji chahta hai goli maar dun. Nahi maar sakte. Kyun? Problem. Bahut bada problem. Are tu bilkul chinta mat kar. Haan, tune waqt pe itla kar di thi, main time pe pahunch gaya. Mere paas hi hai wo. सामान चेक इन हो चुका है, 24 घंटे में तेरे पास होगा। थैंक यू साले। अरे किस बात के लिए थैंक यू कह रहा है उल्लू के पट्टे? प्रेरणा मेरी बहन नहीं है, मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। मेरे ख्याल से बोर्डिंग अनाउंस हो रहा है, उसे चढ़ा के मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके अंजलि। अरे भाई इतनी देर क्यों लगा दी, क्या हो रहा है? लगती है सर, कभी कभी देर लगती है। शट अप, अंदर जाके देखो। प्रॉब्लम सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्या सर? हमने पैंट पहन रखी है ना। तो नहीं यार, साड़ी पहन के जाएगी तो नो प्रॉब्लम सर। किसी भी हालत में अंजलि एयरपोर्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए, ढूंढो उसे। सर्च आउट। कौन है अंदर? Any problem? No, it's all right. You may go. उधर देखो। Yes! Hey boss! एकदम तगड़ा हाथ लगा इस बार। Foreign का, imported. एकदम चक्का चक। क्या? Mercedes? अरे, खुद जाल में आइए boss. क्या body है? क्या color है? ओए ओए ओए, क्या फिगर है, मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। खूब दाम में बिकेगी बॉस, खूब दाम में। हम दोनों माला माल हो जाएंगे, माला माल, माला माल। डार्लिंग तू मेरी हार्ट बीट बढ़ा रहा है, बाजार बहुत गर्म है। इसको बेचकर होनोलुलू जाएंगे, वहां पर मसाज कराएंगे। आज तो बिकेगी,
बिकेगी बाजार में, बहुत ऊंचे दाम में बिकेगी। आ हा हा, गाड़ी क्या है करिश्मा, चले तो है सुष्मिता, रंग है उसका बिपाशा, स्टेरिंग है उसका अमीशा, हेडलाइट है उसकी अश्वर्या, डिक्की है उसकी रवीना, बॉडी है उसकी करीना, सड़क पे है रानी, ये जिंदगी है आनी जानी। अरे धीरे ब्रेक मारो, बूझ लगा के एक्सीडेंट हो जाएगा यार। एक बात बताओ, इस गाड़ी का नाम क्या बॉलीवुड है क्या? मर्सिडीज बेंज। किसकी बेंज? अरे बेंज नहीं, बाप है, मर्सिडीज बेंज। अरे तो ऐसा बात करो ना, मर्सिडीज बेंज है। देखो धंधे का टाइम है, खोटी मत करो, कीमत बोलो पूछ लगा के, बोलो। डार्लिंग 15। 12 गाड़ी का बोलो। 12 गाड़ी एक साथ खरीदेगा? नहीं, अभी एक खरीदेगा, 11 पिछू खरीदेगा। क्या ज्यादा गाड़ी पे थोड़ा डिस्काउंट तो मिलेगा पूछ लगा के? कीमत बोलो। तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, बोलना यार। देखो यार, नाराज का होता है, मेरे को बड़ा शर्म आता है ये सब बात करने के लिए। डार्लिंग एक काम करो, मेरे कान में बोलो। कान में बोलो? 5 लाख? बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। एक काम करो, दूसरे कान में बोलो। कान लाओ। 2 लाख? ये कान तो बिल्कुल ही पंचर है। एक काम करो, मुंह में बोलो। अरे दारू का बास आता है यार, टनल के अंदर जाएगा क्या? मुंह बंद करो यार। 7 लाख पूछ लगा के। चल यार। अरे यार, 10 10 बस चोरी का माल है क्या? धीरे बात करो साईं, चोरी का माल है इसलिए मैं 10 देता है, नहीं तो मैं खुद शोरूम में जाके गाड़ी का डिलीवरी नहीं लेके आ जाऊं पूछ लगा के। क्या अंकल, 10 ऐसा लगता सौदा कर रहे हैं, 11 लगाओगे तो ऐसा लगा शगुन दिया है, है ना? यार BMW तुम्हारा सेंट्रो बहुत हॉर्न बजाता है। देखो 1 लाख एडवांस, बाकी डिलीवरी का बाद। गाड़ी का कलर चेंज, हाँ चेंज, नंबर प्लेट चेंज, डिलीवरी परसों, टाइम रात के 12 बजे, कहाँ? जहाँ कोई आता जाता ना हो। अच्छा तो हम चलते हैं। मर्सिडीज बेंज पुछ लगा के। पुलिस कंट्रोल रूम। देखिए मुझे किसी ने एयरपोर्ट से किडनैप कर लिया है, ब्लैक मर्सिडीज में। आपका नाम? अंजलि, अंजलि थापर। सर मिस अंजलि। हेलो, हेलो अंजलि। अंजलि तुम कहाँ हो? आई डोंट नो मामा जी, प्लीज हेल्प मी, आई एम ट्रैप्ड। कैसी जगह है, डिस्क्राइब इट। इट्स वेरी वियर्ड आउट हियर। ओह माय गॉड। हेलो, हेलो, ट्रेस द कॉल। इसका पिछवाड़ा क्यों खुला है यार? गया था तो डिक्की तो बंद थी, बाहर से दरवाजा भी मैंने बंद किया था, आए तो हम दोनों साथ में। लगता आई थिंक कोई आया है तो नहीं। कोई है? क्यों है? अरे डार्लिंग अपना तो कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है, पकड़ गए तो जेल हो जाएगी, जेल हो गई तो चक्की पीसनी पड़ेगी डाले। तो तू तो, तो, तो एक काम कर, तू सामने जा, उसको सामने से जाकर पकड़ ले, हो सकता है कोई गनमैन हो। तू डराता क्यों है, तू डराता क्यों है डाले? तू ऐसा कर, तू सामने से जा, मैं पीछे से दबोच ले। नहीं डार्लिंग, ये मैना कौन है? मैं नहीं जानता ये कौन है और कहां से आई है। ओह मामला तो फिर बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है, चोरी की गाड़ी और उसमें लड़की, तू समझ रहा ना डार्लिंग? और कई पुलिस इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई, तो जिन हाथों से स्टेयरिंग घुमाते थे नरम नरम, उन्हीं हाथों से जेल की चक्की घुमानी पड़ेगी, और फिर क्या फायदा, शादी हुई नहीं बाकी की जिंदगी ससुराल में, तू समझ रहा ना डार्लिंग? हाँ
समझ रहा हूँ, पर मैं कुछ सोच रहा हूँ। सोच मत मेरे बाप, सोच मत। जल्दी से इसको किसी ठिकाने पर छोड़कर आ, जल्दी से। तू समझता क्यों नहीं है? हाँ। अरे सुन, हाँ? जाते जाते ना एक गरम पानी की थैली कह देना ईरानी के होटल में। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी सी स्टेपनी गड़बड़ कर दी इस लड़की ने। क्या गुरु, ये मुसीबत कहाँ से गले पड़ गई? गॉड यार, कहाँ फंस गया मैं, कहाँ छोड़ू इसे। हाँ? यस, एक्सक्यूज मी। क्या है जी? वो ऐसा है कि। कैसा है क्या? मैं यहाँ बाहर से जा रहा था कि। तो बाहर से बाहर क्यों नहीं चला गया, अंदर क्यों आ गया? असल में मेरी बीवी, माय वाइफ इज नॉट फीलिंग वेल। तो क्या ये हॉस्पिटल है? डॉक्टर समझा क्या मुझे? आला लगा रखा मैंने। कमाल है, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ और आप है कि। क्यों 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 तू मुझसे प्यार से बात कर रहा है? क्यों है इश्क लड़ाएगा मुझसे? ऐसे वैसे टाइप का आदमी नहीं हूँ मैं। देखिए भाई साहब, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है, मुझे सिर्फ एक रूम चाहिए। आई जस्ट नीड अ रूम। है मालिक, आपने पहले बताना चाहिए था ना, पॉइंट टू पॉइंट। आप तो कह रहे थे जी ऐसा है जी वैसा है जी। देखिए पॉइंट टू पॉइंट में आपके लिए रूम तो है, लेकिन हनीमून रूम है। हाँ हाँ ठीक, चलेगा। किराया कितना होगा? तीन साढ़े। इट्स ओके, साढ़े तीन हजार। हाँ हाँ, साढ़े लगाना भूल जाता हूँ ना, साढ़े सात ही चल रही है। अरे ठीक है। रानी रानी जल्दी आ, पॉइंट टू पॉइंट। ए ये बातें क्यों चिल्ला रही है? मुँह में ढक्कन दे दूंगी या डंडा दे दूंगी। लड़की फूल, इनके बिहेव से पता चल जाएगा शी इज माई वाइफ। जी रानी साहब, हनीमून रूम ले रहे हैं साढ़े तीन हजार में, रूम दिखा। पॉइंट टू पॉइंट, डोंट शो नरीमन पॉइंट। फॉलो मी साहब जी, आइए साहब जी, आइए आइए आइए, ये है आपका हनीमून रूम। मल दूं? हाँ क्या? आपके दर्द हो रहा होगा ना? नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। वैसे ये पलंग है, सोफा है, टीवी है और वो बाथरूम है। आप जाइए। वैसे जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े ना, आप मुझे बुला लेना, आपके साढ़े तीन हजार रुपए वसूल हो जाएंगे। आप जाइए। थैंक यू। देखिए देवी जी, जितना भी था बहुत था, आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या गा रहा है? कम्मा कम्मा चम्मा चम्मा। ए भाई ये कम्मा कम्मा गा रहा है, कम्मा कम्मा गा रहा है, कम्मा कम्मा गा रहा है, कम्मा कम्मा गा रहे। Excuse me. I'm sorry. कुछ आवाज सुनी? अरे कुछ ना है, अपने साढ़े तीन हजार रूपए वसूल कर रहा होगा। सो जा, मुंह में अंगूठा डाल के। Yeah!
अपनी गाड़ी लेकर भाग गया साला। गाड़ी में भाग कर कमाया क्या भाई? आपको क्या है? My name is Anjali. तो nothing. मैं बस यूँ ही तुम्हें क्यों कह तो रही हूँ just like that. मैं इंडिया first time आई हूँ. तो तुम क्या हर बात का जवाब तो क्यों मैं ही देते हो? Hey! Oh God, what is this? You don't talk while I'm driving, okay? Okay, sorry. You better be. तुम कुछ सोच रहे हो शायद. हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरी गाड़ी की डिक्की में आई कहाँ से ब्लडी हेल? तुम्हारी गाड़ी? हाँ. मेरे ख्याल से तो वो चोरी की थी. चोरी की? चोर दिखता हूँ मैं तुम्हें. गौर से देखो मेरी शक्ल को. कहीं से चोर दिखता हूँ मैं? चेक मी आउट. शक्ल से थोड़ी पता चलता है किसी का. शक्ल ही आईना होता है इंसान का. ओके अच्छा तो मेरी शक्ल से तुम मेरे बारे में क्या बता सकते हो? यही कि तुम घर से भागी हुई एक लड़की हो, ना जाने किससे छुपती फिर रही हो, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है. मैं जानती हूँ कि मेरी मंजिल कहाँ है, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हारी मंजिल कहाँ है? शायद ये मैं नहीं जानता कि मेरी मंजिल कहाँ है, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारा मेरा साथ दूर तक का नहीं है. खत्म भी हो सकता था अगर तुम मुड़कर वापस ना आते और मेरी जान न बचाते. Really? ये रही आपकी मंजिल मैडम, जो मैंने तय की है. ए, मगर मैं यहाँ से जाऊंगी कहाँ? तुम जानो, तुम तो कहती थी कि तुम्हें अपनी मंजिल मालूम है. या, बट... ए, ये बस स्टॉप है, यहाँ से बस हर दिशा को जाती है. टिकट काटो और जाओ. बाय. It was nice knowing you. I know that. Oh God, what to do? Damn it. मेरे को मारा कितना? वो लड़की कहाँ है? अब मैं आपको कैसे समझाऊं डार्लिंग? आपको तो मारने का शौक खड़ा हो गया, पर मुझे मार खाने की आदत नहीं है डार्लिंग. अरे मैंने इधर को कहा था ना पुलिस आ जाएगी. तेरा हाल किसने किया? उसने. ये डिजाइन इसके चेहरे का हमने बदला है, और अगले 5 मिनट के अंदर अंदर तूने ये नहीं बताया कि वो लड़की कहाँ है, तो समझ लो तुम्हारे चेहरे का नक्शा भी बदल कर ऐसा ही हो जाएगा. लड़की? कौन सी लड़की? डार्लिंग डीसीपी है, सब कुछ जानता, बहुत बड़ा रावण है. सच सच बताते. देखिए आपसे शायद कोई गलती हो रही है ना. हम सच उस लड़की को नहीं जानते थे. बल्कि वो लड़की खुदा के हमारी गाड़ी की डिक्की में छुपी थी ना. हम तो खुद पुलिस में रिपोर्ट कराने वाले थे, एंड मुझे तो लगता है वो लड़की किसी से छुप रही थी या तो फिर घर से भागी हुई थी. फ्रैंकली स्पीकिंग सर, मुझे तो लगता है वो लड़की पागल थी. वो पागल लड़की मेरी भांजी है. नहीं नहीं, वो पागल नहीं थी. पागल तो हम दोनों हैं, पागल तो हमारा खानदान है. वो तो अच्छी सी, नाजुक सी, प्यारी सी लड़की थी, है ना? अगर जल्द से वो मुझे नहीं मिली तो न जाने मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला. नहीं नहीं, हम क्या कर सकते हैं? वो डेंजरस प्रॉब्लम सर. गाड़ी में पाउडर, गोली मार दूं सब जी. ड्रग्स तो ये कारोबार भी है तुम्हारा? नहीं 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 नहीं, ये ड्रग्स नहीं है, ये ड्रग्स नहीं है, ये पाउडर है. काली औरत अपने मुंह पर लगाती है तो गोरी हो जाती है. इसको खा भी सकते हैं, तो पानी में डालकर पी. आप कहीं पहले गोरखा रेजिमेंट में तो नहीं थे? सर ये गाड़ी मेरी नहीं है और ये ड्रग्स भी हमारे नहीं, आप मेरा यकीन कीजिए. बुरा जो देखन मैं चला, पुराना मिलिया कोई, जो मन देखिया आपना, मुझसा पुराना कोई. इससे पहले कि मैं बहुत बुरा आदमी बन जाऊं, मुझे बताओ मेरी भांजी को किडनैप करके तुमने कहां छुपा रखा? डैमिट, कितनी बार बताया आपको, मैंने नहीं छुपा आपकी भांजी को कहीं भी, नहीं किडनैप किया उसको. आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? 3 केसेस हैं तुम्हारे खिलाफ, गाड़ी की चोरी, ड्रग पेडलिंग और मेरी भांजी की किडनैपिंग. वक्त कम और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है तुम्हारे सर पे. सो लेट्स गेट गोइंग. सर यहीं लाया था मैं उसे. यहीं लाया था तो अंजलि कहाँ है? मर गया यार.
अभी मरे कहां बेटे, अब मरोगे। हाय, मिस्ड मी? मिस्ड यू ब्लडी हेल। देखो मैडम, आज वो बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं। ओके सर, ये रही आपकी भांजी, भांजी ये रहे आपके मामा। हेलो अंजलि। मामा जी, मैंने बता दो कि मैंने तुम्हारा किडनैप नहीं किया था। अरे बोलो ना, नहीं किया था ना। अभी आप दोनों रिश्तेदार मिल गए, खुशी खुशी बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते। सुनो, चुपचाप वहाँ खड़े रहो। पर सर आपने तो आई सेड स्टैंड देयर। बड़ी सर दैट द हेल यार, ये क्या पागलपन है अंजलि। वहाँ तुम्हारे माँ बाप इतने परेशान हैं और तुम यहाँ इस तरह भाग कर। मगर भाग कर कहीं नहीं जा पाओगी। Come on, finish your tea. Let's go. No, Mama ji. जब तक मैं अपनी मंजिल पाना लूँ, I'm not going back. Are you crazy? Mama ji. Sir, मैं जाऊँ सर, मैं कल रात से सोया नहीं हूँ। जब तक मैं ना बोलूँ वहीं खड़े रहो। Let it go. Mama ji, he's innocent. ये बेकसूर है। इसने मुझे गुंडों से बचाया था होटल में। गुंडे? होटल? कौन से होटल में? और तुम वहाँ क्या कर रही थी? मैं इसके साथ थी। I mean, जहाँ हमने रात गुजारी थी। इसके साथ? Are you mad? नहीं सर, सर आप गलत समझ रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं होता सर। I'm not that type. तुम बोलो ना यार। समझता हूँ, सब समझता हूँ। तुझे तो इतने दिन की लगवाऊंगा, जवानी में अंदर जाएगा, बुढ़ापे में बाहर निकलेगा। Arrest him! मामा जी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं उस मिकी से शादी हरगिज नहीं करूंगी। मैं इससे प्यार करती हूँ और शादी भी इसी से करूंगी। आप चाहे जो कुछ भी कर ले। पागल हो गए तुम, चलो मेरे साथ। हाँ मैं पागल हूँ, हम दोनों पागल हैं। प्यार करने वालों को दुनिया पागल ही कहती है ना। सर ये अपने मन से ना जाने क्या बकती जा रही, क्या बकवास कर रही हो तुम। बकवास तुम कर रहे हो बुद्धू, जल्दी से भाग जाओ वरना जेल हो जाएगी। आप खामखा उलझन है सर, मुझे जाने दीजिए, मैं आजाद होना चाहता हूँ। मैं मर जाऊंगी मगर इस पे आज नहीं आने दूंगी। इस पे गोली चलाने से पहले मुझे मारना होगा। सुन ले ये सारी दुनिया, देख ले ये लोग जो यहाँ बैठकर आराम से खा रहे हैं। अरे जिस धरती पर लैला मजनू हीर रांझा सूली पे चढ़ गए अपनी मोहब्बत की खातिर, उसी तरह हम भी मर जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे अपनी मोहब्बत पर। हथकड़ी पहना दो इसे भी। क्या बात है बाबू। पहलवान जी मुझे अपना काम करने दीजिए, आप भी अपना काम कीजिए। ओए क्यों नहीं करने देता इन दोनों को शादी, और तेरा नाम समाज है जो इन दो प्यार करने वालों को अलग कर रहा है। अलग कौन कर रहा है, मैंने तो इन्हें ऐसे बंधन में बांधा है, जब तक साथ रहेंगे करीब करीब रहेंगे। क्यों कितने जा रहा है बाबू? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो पहलवान बनना, वरना क्या कर लेगा। बाप रे इतनी जोर का, सोच लो ये तुम्हें भी पड़ सकता है। चलो यहाँ से भाग चले। नहीं नहीं सर, सर भाग गए सर। बत्ती जलाओ। अजी हमसे बच के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। वाह क्या बात है सर, वेरी गुड। शट अप। हम बोलिएगा तो बोलता है, हम बोलिएगा तो बोलता है। कौन हो तुम, बस में कैसे चढ़े? मैडम पुलिस को बुलाओ। हाँ बोल दो पुलिस। पुलिस बुलवाएंगे आप, जरूर बुलाइए। अगर हमें पकड़वाकर आपके दिलों को जरा से भी तसल्ली हो तो ठीक है, पर एक बार किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया कीजिए। क्यों, तुम रोमियो जूलियट है, लैला मजनू है, श्री फरहाद है। क्यों, क्या इनके सिवा और किसी ने मोहब्बत नहीं की? मेरा नाम प्रेम है एंड शी इज माय वाइफ जमुना। हमारा भी एक सपना था कि इस बड़ी सी दुनिया में हमारा भी एक छोटा सा जहां हो। अभी 2 महीने पहले ही तो हमारी शादी हुई थी, हम दोनों बहुत खुश थे, बहुत खुश। ये माँ बनने वाली थी, डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चला कि इसे ब्रेन कैंसर है। What? और ये सिर्फ 4-5 महीने की ही मेहमान है, हमारी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। आप ही बताइए ऊपर वाले से कोई लड़ सकता है, लड़ सकता है क्या? कोई नहीं लड़ सकता मैडम, कोई नहीं लड़ सकता। मैं इसे वहीं ले जा रहा था जहां हम पहली बार मिले थे, जब ये 3 साल की थी और मैं 4 साल का। शायद वहां गले मिलकर हम दोनों बहुत रोए, हम मिले भी वहीं थे और शायद बिछड़ेंगे भी वहीं।
नहीं नहीं जमुना नहीं, साथ जिए हैं तो साथ मरेंगे। फिर पकड़ी मरने से क्या डरना, हाँ आई एम विथ यू। मेरा बटुआ और मोटरसाइकिल चोरी हो गए थे, इसलिए हमें आपकी बस का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मैडम, आप पुलिस बुलाइए। मैडम पुलिस को बुलाओ। शट अप कांचा, आप लोग बहुत थक गए होंगे, चाहो थोड़ा रेस्ट कर लो। कांचा टेक देम टू माय टेंट। मैडम आपके टेंट में? हाँ मेरे टेंट में। नो इट्स ओके मैम, इट्स ओके। एक दूसरे में जैसे दो जिस्म एक जान। गॉड आई एम सो टायर्ड। ओए मैडम जरा तमीज से ओके, मैं भी तुम्हारे साथ बंधा हुआ हूँ। डेस्टिनी यू नो, व्हाट डू यू से फॉर दैट? ऊपर वाले की मर्जी। ब्लडी हेल। ओ मिस्टर ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? पानी पीने जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? पर तुम नहीं जानते कि मैं भी तुम्हारे साथ बंधी हूँ। डेस्टिनी यू नो, ऊपर वाले की मर्जी। डेस्टिनी ये आपके लिए चिकन सैंडविच, चिकन पिज्जा, चिकन पैटीज आपके लिए। जी नहीं मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये कपड़े आपके लिए? कपड़े? कपड़े तो मैंने पहन रखे। मैले हो गए ना, उतार दीजिए ना। जी एक्चुअली आई मीन आप दोनों के लिए कपड़े। ओह अच्छा, आप एक काम करिए, पहले आप जमुना जी को कपड़े पहना दीजिए। जमुना जी, जमुना जी, जमुना जी आप दोनों के लिए। थैंक्स, नाइस हस्बैंड। काश मुझे भी ऐसा हस्बैंड मिले जो इतना प्यार करे। हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, आपको तो जरूर मिलेगा। आप जैसा? हाँ जी बिल्कुल मुझ जैसा। इतना प्यार करने वाला? हाँ हाँ मुझसे भी ज्यादा। प्यार करने के लिए ब्रेन कैंसर होना जरूरी तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। रियली? तो वो प्यार करने वाला दिल कहाँ होगा? होगा होगा, आपके पास ही होगा। सो स्वीट।
आती है घड़ी बहारों का समा जवान करने वाला होगा तो ये सुनो हाँ? अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। ठंड बहुत है इसलिए तो अंदर आ गया तो कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मौसम और वक्त का कभी भी भरोसा मत करना स्वीट्स, ये मौका पाते ही बदल जाते हैं। गलती से अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो ढूंढती रह जाओगी होने वाले बच्चे के बाप को। गुड नाइट। सुनो अब क्या है? मेरा एक काम करोगे? बहुत पैसे मिलेंगे। काम क्या है? मुझे यहाँ ले चलोगे? इस जगह। यहाँ जाना है तुम्हें? हाँ, तुम जानते हो उस जगह को? ऐसे तो 3.5 करोड़ मंदिर होंगे पूरे हिंदुस्तान में, ढूंढते ढूंढते 3 जन्म लग जाएंगे मैडम। देखो मेरा यहाँ जाना बहुत जरूरी है, वो भी इसी जन्म में। माय प्रॉब्लम इज रिलैक्स। हे जस्ट रिलैक्स। हम ऐसा करते हैं कि हम कल सुबह जाकर देखते हैं कि जगह कहाँ। अभी जाकर सो जा। मुझे ले जाओगे ना? हाँ मैं ले जाऊंगा। प्रॉमिस? हाँ मेरी माँ, मैं तुझे ले जाऊंगा, तू जा सो जा। अजीब पागल लड़की है, दिमाग खराब कर दिया। मुझे तो कोई ये मेंटल केस लगता है, सुबह होने से पहले ही निकलने बैठा नहीं तो फंस जाएगा। जय मैम साहब। वो कहाँ है? वो लड़का लड़की पहाड़ी पे चढ़ता है, क्यों चढ़ता है, काकू चढ़ता है? नहीं नहीं नहीं, वो जो मेरे साथ है। वो तो ओए, तुमने किसी लड़का लड़की को देखा? देखा था जी, तभी तो मेरा ये हाल हुआ है। क्या बग रहा है? अब तू कौन सा समाज है भाई? काची रे काची रे। पुलिस! अंजलि! यहाँ तुम मुझे वहाँ छोड़कर क्यों भाग गए?
मेरी मर्जी, इट्स माय लाइफ, मैं चाहूँ भागू या कूदू, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? बट व्हाई आर यू चेजिंग मी? मैं, अगर मैं कहूँ कि जहाँ भी मैं जाती हूँ तुम मुझसे पहले आकर वहाँ पहुँचते हो, तो व्हाई आर यू चेजिंग मी? डैम इट, गॉड डैम इट, डैम इट। वैसे तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे हम पहले कहीं मिल चुके हैं? राइट, इससे पहले हम मिल चुके हैं, है ना? जी, गैराज में, मोटेल में, ढाबे में, यूथ फेस्टिवल में, गाना। नहीं नहीं, आई मीन मच बिफोर दैट। नेवर, तुम हिंदुस्तान पहली बार आई हो और मैं दिल्ली से बाहर कभी गया नहीं हूँ। मगर कुछ तो है जो हम बार बार इस तरह पिछड़ कर मिल रहे हैं, इजंट इट डेस्टिनी? देख मेरी माँ, मेरा पीछा छोड़ दे, तू जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरा जीना हराम हो गया, पुलिस तक मेरे पीछे पड़ गई। तुम्हारी वजह से ट्रक भी चला गया, अब क्या करूं? एक आइडिया, लेट्स ईट समथिंग। व्हाट? या आई एम सो हंग्री, अगर मैंने कुछ खाया नहीं ना मैं मर जाऊंगी। अच्छा है, जान तो छूटेगी। गॉड, दिस मैन इज इम्पॉसिबल। ओह माँ, बड़ी माँ की याद आ रही है। माँ यहाँ होती ना तो मुझे कभी इस तरह से भूखा नहीं रहना पड़ता। पैसे हैं तुम्हारे पास? No. भाग सकती हो? Of course. स्कूल में 100 मीटर चैंप थी। अच्छा, तो आजा फिर। तुमने भागने के बारे में क्यों पूछा? पैसे ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास, भूख भी लगी है, खाना उठाकर भागना तो पड़ेगा ही ना। You mean चोरी? ये ले मुन्ना, तेरे लिए। हाँ? खा ले बेटा, खा ले ना, ये बर्गर है, खा ले। कितना प्यारा मुन्ना है, कितना प्यारा है, खा ले बेटा, खा ले ना। अच्छा चले, तुम्हें अपना याद है ना वादा? ओके, चलो चलते हैं। ओके, बाय बाय बाय। मेरी तो लाइफ बन गई। तुमने ऐसा क्या कहा बुड्ढे को? उसने तो चुम चुम के मेरा मुंह ही पोंछ दिया। अरे तुम आम खाओ ना, वो क्यों गिनते हो? What is it for that? कुटलियां। पर तुमने कहा क्या यार? Very simple. मैंने उसे कहा कि तुम मेरे हस्बैंड हो, यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेन कैंसर, तुम्हें बहुत भूख लगी है और हमारे पास पैसे नहीं है। कमाल है, बड़ा इमोशनल आदमी था, तुमने इतना कहा मान गया, नीट यार। मैंने कुछ और भी कहा। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम्हारे मरने के बाद मैं उससे शादी कर लूंगी। तुम उस पागल, उस बुड्ढे से शादी करोगी? Why? What's wrong? Are you mad? तुम उस बुड्ढे से शादी करोगी? अरे मैं किसी से भी शादी करूं, It's my life. करके तो देख, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अरे तुम तो मुझ पे हक ही जमाने लगे। Are you jealous? मैं जलूंगा तुझसे, मैं। अरे जा, जिससे शादी करनी है कर, भले मेरी जूती से। जूती फट गई है तुम्हारी। अरे करण सुनो तो। अच्छा बाबा, तुम जिससे कहोगे मैं उसी से शादी कर लूंगी, इस तरह के। सर अभी हमने उन दोनों को एक मालगाड़ी में जाते हुए देखा है। ये गाड़ी कौन से स्टेशन पे रुकती है? सर अभी ये गाड़ी सीधा काठगोदाम स्टेशन पर रुकी। वहाँ की पुलिस फोर्स को फौरन इन्फॉर्म करो, हम पहुँच रहे हैं। दीवाने आते जाते हंसते गाते ढूंढ रहे हैं मंजिल प्यार की। अब तो जीने मरने की चाहत है बाहों में यार की। दीवाने आते जाते हंसते गाते ढूंढ रहे हैं मंजिल प्यार की। अब तो जीने मरने की चाहत है बाहों में यार की। सुन ओ पिया क्या कह दिया, धड़के जिया कहला मेरा, मानना मानना। पहले कभी हाल ऐसा नहीं था, हुआ क्या ये अब के बरस।
किस लिए? डर लगी इसलिए। क्या कहा? आज कुछ नहीं। फिर कहो। लव नहीं। ऐसी भी क्या बात है? अंजलि कम ऑन। कोई है? हेलो, इज एनीबडी देयर? कोई है? नहीं होगा ना, होता तो बोलने देता कि मैं हूँ। तुम भी खाली घर में चिल्ला रहे हो, कोई है कोई है। वाओ, यू नेवर नो, शायद कोई जवाब आ जाए।
और वैसे भी एक बार तो पुकार के देख ही लेना चाहिए। तुमने अब तक पुकारा है किसी को? कोई मिला ही नहीं था, पर अब मिला है और जरूर पुकारूंगा उसे। कौन है वो? जवाब जरूर दीजिएगा जब मैं पुकारूं। फिलहाल तो मुझे लगता है हमें सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, काफी लंबा सफर तय किया हमने। कहां तो एक कदम भी साथ चलना मंजूर नहीं था, और आज सफर का जश्न। Well, you never know when people change. Destiny. अब मैं शावर लेके आती हूँ, ओके? ए हेलो, वहाँ बाथरूम में what is it for that bolt? कुंडी। हाँ, कुंडी नहीं है। तो मैं एक हाथ से नहीं नहा सकती ना? एक हाथ से मतलब? मतलब एक हाथ से दरवाजा पकड़ के और एक हाथ से बाल्टी को रख लो दरवाजे के आगे। बाल्टी भी नहीं है। कमाल है, कुंडी नहीं है, बाल्टी नहीं है, कहीं तुम किचन को तो बाथरूम। ओ शराब, तुम उस तरफ मत आना, ओके? वादा नहीं करता। शर्म होगी तो नहीं आओगे? शर्म होगी तो इस तरह नहीं आओगी। ओके, तो लेट्स सी हूज मोर बेशरम। ओके। चाहते हो? You're beautiful. बहुत वक्त लगा ये कहने में। वक्त? वक्त ने कभी दिल का साथ ही नहीं दिया। तुम बहुत अच्छे हो करण। और तुम बहुत बुरी। जानती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सताया ना? तुम घर से भागी क्यों अंजलि? तुम जानते हो ना करण, मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ। किससे? मेरे पिछले जन्म के साथी से। What? Come again? या करण? It's not a joke. I'm serious. पिछले जन्म का साथी इस जन्म में? हाँ। कहीं बाथरूम के नलके से वाइन या विस्की तो नहीं बह रही थी? करण। हाँ। तुम मुझे वहाँ तक पहुँचाओगे ना? अगर मैंने तुम्हें उससे मिला दिया तो? तो वो मुझे मिल जाएगा। और मैं? तुम मुझे अच्छे लगते हो करण। प्यार करती हो या अच्छा लगता हूँ? नहीं जानती। अगर वो तुम्हें मिल गया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? वो मेरा प्यार है, वो मेरी मंजिल है। नहीं अंजलि, नहीं। मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने ही हाथों से अपने प्यार का गला घोट दूंगा। मैं तुम्हें आज इसी जन्म में कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भविष्य में अपने अतीत को ढूंढना बंद करो अंजलि। तुम्हारी सच्चाई आज है, ये सच्चा आज, जहाँ तुम मुझसे प्यार करती हो। और तुम इसे झुठलाना भी चाहो तो झुठला सकती हो, हाँ, पर मैं नहीं मानूंगा इसे। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ अंजलि, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ में देने से तकलीफ होगी मुझे, तकलीफ। मैं जा रहा हूं अंजलि। और हाँ, अगर मेरे जाने से तुम्हारे दिल में जरा सी भी तड़प हो ना, तो समझ लेना कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। आंखें बंद करके एक बार अपने दिल में झांकना और देखना कि वहां कौन है, तुम्हारा वो खोया हुआ अतीत या मैं। गुड बाय। तुम्हारे साथ जो भी पल गुजरे याद रहेंगे। मैडम जरा तमीज से, ओके? मैं भी तुम्हारे साथ बंधा हुआ हूं। मैं किसी से भी शादी करूं? इट्स माय लाइफ। करके तो देख, टांगे तोड़ दूंगा तेरी।
जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ। ए, मार किधर? डॉट के लेन। ये नहीं, मार मार। मुझे नहीं मालूम। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? जो चीज अपनी नहीं उसे अपने पास रखने का क्या फायदा? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ आपका माल कहाँ है। कबूतर जा जा जा, कबूतर तुमने खतरा क्यों मोल लिया? डोंट टॉक रबिश, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। मैं इन्हें कंफ्यूज करती हूँ, तुम भाग जाओ। और तुम? तुम मेरी चिंता मत करो, वर यू सेफ दैट? जान है तो जहान है, जस्ट गो के, प्लीज गो, जस्ट रन अवे, गो। डाक्टरी कह लूंगा, भाई मेरा भतीजा राजवीर कौन है? आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा जल्दी जा रहे हैं? हम अगर थोड़ा वक्त रहता सिंगल तो आई वुड हैव वाइप्ड आउट द एंटायर रेस। यू नो हाउ मच आई हेट दीज क्रांतिकारीज, रॉटन क्रीप्स। लेकिन हमको एक बात का बहुत अफसोस रह जाएगा सिंगल, कि हम उस अभय को नहीं मार सके। ब्लडी स्वाइन, ही किल 17 ऑफ आवर ऑफिसर्स। सर अगली बार जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये नाम आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा, मैं वादा करता हूँ।
एंड सिंघाल याद रखना, मोर्चा नहीं रैली नहीं, बैंड फ्रॉम टुडे। सर पांव तोड़ दूंगा इनके जिससे मोर्चा ना निकाल सके, जुबान काट डालूंगा इनके जिससे वो नारे ना लगा सके, उन बाजुओं को धड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा जो मुट्ठी बंद करके हवा में जाते हैं और लहरा कर कहते हैं वंदे मातरम। बहुत अच्छा है, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दिस। लॉन्ग लिव ब्रिटिश राज सर। इंकलाब जिंदाबाद। नंदनी तू यहाँ क्या कर रही है? इंतजार। कौन है वो कमबख्त बेवफा जो तुझ जैसी से इंतजार करवा रहा है? नाम तो बोल उसका, अगर सीने में गोली ना उतार दी तुम्हें। आयो रब्बा, खुद को गोली मारोगे? शोक नजर के तीर को रोको, कैसा कत्लेआम मचा है। बोलने पे तो तूने मेरा मुल्क नहीं छोड़ा, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? कब तक लड़ेगा तुम? बागियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। नंबर तेरा होगा सारे। ये जिस्म नहीं मुकम्मल बयां है, देखो तो माथे पे इसके आजादी का निशान है। वंदे मातरम। शाबाश अभय, गिरा डालेगा और फिरंगी। बाबूजी ये गोरे तो तब तक कटते रहेंगे जब तक मेरा तिरंगा उस आसमान में नहीं लहराएगा और उनकी ही हुकूमत का मैला पर्दा उनका कफन नहीं बन जाएगा। बाबूजी तू बोल मत अभय, बाबूजी दर्द हो रहा है इसे। काफी खून बह चुका है अजीत। जी तू इसे पिछवाड़े से निकाल कर बल्ली बाग वाले कच्चे कोठे ले जा। जी बाबूजी। और सुन नंदनी पुत्र, हाँ जी। तू शहर वाले ईसाई डॉक्टर को बुला कर ले आ, वो पुराना डॉक्टर फिरंगियों का पिट्ठू है। हाँ जी। हाँ जी। इससे पहले कि उन फिरंगियों के नापाक कदमों के साए भी इस पवित्र खून पर पड़े, फैला दो इसे यहाँ। अच्छा जी। और पवित्र कर दो इस आंगन को। जय माता दी माता माता जय माता दी माता जय माता दी माता जय माता दी माता जय माता दी माता माता जय माता दी माता। ऐसे क्या देख रहा है? खुद को तेरी आंखों में। डर है कि कहीं बह ना जाऊं। उससे पहले मैं आंखें ना मूंद लूंगी। ए, तूने कभी सोचा है अगर मुझे कुछ हो जाता तो? हाँ सोचा है ना, इसीलिए तो तेरे साथ हूँ। तुझे डर नहीं लगता? अरे तू है तो डर काहे का, और तू ही नहीं तो डर किसका? पागल है तू? हाँ तेरे प्यार में। चल छोड़। थामा तूने है और छोड़ने को मुझसे कहता है? हाँ?
क्यों करती है ऐसी बातें? मुझसे क्या पूछता है, इस निगोड़े दिल से पूछ। ये दिल यही होता है ना, जब ये धड़कता है तो तेरा नाम क्यों सुनाई देता है? कोई अच्छा सा लड़का देखकर ब्याह कर ले, वरना पछताएगी। हाँ। मेरी डोली तो रुखसत हो चुकी है तेरे साथ, क्यों तुम्हें नहीं लगता? हाँ। भूल जाता हूँ कभी कभी इस धरती को सुहागन बनाने में। मैं सुहागन तो हूँ ही, अब के बरस इस मांग में तेरे खून का एक कतरा भी गिर पड़े तो मैं पावन सदा सुहागन बन जाऊं। इश्क इबादत और करें क्या अब के बरस। तुम जो मिले हो सब कुछ मिला है, और क्या चाहिए अब के बरस। प्यार मोहब्बत इश्क इबादत और करे क्या अब के बरस। तुम जो मिले हो सब कुछ मिला है, और क्या चाहिए अब के बरस। झड़ बहार बसंत या बरसात, सब मौसम करते हैं तेरी बात। तेरे नाम कर दी मैंने सारी जिंदगानी, मेरे हर फसाने में है तेरी कहानी। मैं भी तो बन बैठी हूँ तेरी दीवानी। आजी ले मर ले से गुजर ले, और करे क्या अब के बरस। प्यार मोहब्बत इश्क इबादत और करे क्या अब के बरस। जीवन भर न टूटे, पीता
चाहत यही है तुझको दुल्हन बनाऊं। ओ हम जोली मोहब्बत इश्क इबादत और तेरी क्या अब के बरस। क्या हम हाजिर हो सकते हैं रघुवीर सिंह जी? आओ आओ, अंग्रेजी हुकूमत की दीवारों ने ही तुम्हें उस तरफ फेंक रखा है तेजेश्वर। कहो क्या दलील है फिरंगियों के दलाल की? हम तो हमेशा बीच की दीवार गिराना चाहते हैं रघुवीर सिंह जी, पर आप हैं क्या? मुद्दे पर आओ तेजेश्वर। मैं यहाँ पर अंग्रेजी सरकार के मुलाजिम की हैसियत से नहीं, बल्कि तेजेश्वर आपका खैर ख्वाह बनकर आया। अब है को अंग्रेजी सरकार के हवाले कर दीजिए। आगे मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दिलाऊंगा रघुवीर जी, नकद। मेरी बात हो चुकी है, वो आपको राय बहादुर का खिताब देने के लिए भी तैयार है और उम्र भर के लिए पेंशन भी। यह हमारा फायदा हुआ, इसमें तुम्हारा? होने वाले राय बहादुर का दामाद बनना चाहता हूं बाबूजी। हम सब खुश रहेंगे, नंदिनी रानी बनकर रहेगी। तेजेश्वर, तू जैसे देशद्रोही की रानी बनके रहने से तो अच्छा है कि मैं किसी देशभक्त की विधवा कहलाऊं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कैसी है तू? अच्छी हूँ। और मेरा भाई? अब है भी ठीक है, आप उसकी चिंता ना करें। जानती हूँ जानती हूँ, तू जो है ना उसका ख्याल रखने के लिए। आप लोग सब यहीं रुक जाइए। देखिए, अंग्रेज हुकूमत ने किसी भी किस्म की नारेबाजी और मोर्चों पर रोक लगा दी है। अंग्रेज, 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 अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, all shall be shot dead। आगे बढ़ो। बहुत हो चुका है, अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पर बहुत खून की नदियां बही हैं मेरे देश में। बस अब और नहीं, बंदूकें फेंकने को बोल वरना मैं तेरी कोपड़ी के पर गच्चे उड़ा दूंगा। शोर मत मचाना, अंग्रेजी सरकार के भेड़िए देखते ही मुझे गोली मार देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक बार मुझे अब ऐसे मिल लेने दो, इस क्रांति का हिस्सा बन जाने दो, इन सबको चुन चुन कर मारूंगा। नहीं तेजेश्वर, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आतंक और जोश से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हत्याएं होंगी और खून बहेगा। तुम्हें क्या लगता है गायत्री कि अंग्रेजी सरकार नारों से और मोर्चों से अपना तख्ता छोड़कर चली जाएगी? हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। तुमने देखा सुबह, अगर मैं ना आता बीच में तो वहां पर ना जाने कितने लोगों की लाशें बच जाती, एक और जलियांवाला बाग बन जाता वहां पर। अब ये सारे क्रांतिकारी मारे जाएंगे और अभय की जान को सबसे ज्यादा खतरा है, अगर इस वक्त उसे कोई बचा सकता है तो मैं। ठीक है, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अभय के पास लेके चलती हूँ। मार, मार मुझे और मार, मेरे टुकड़े टुकड़े करते अभय। पर मेरी बात कह किंकर, मैं लौट आया हूँ भाई। अगर आज तुमने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला तो बहुत देर हो जाएगी। मेरा यकीन कर, इसका विश्वास कर ले अभय,
ये प्रायश्चित करना चाहता है। कैसे कैसे विश्वास कर लूं इसकी बात का नंदिनी? कैसे? अब तक इसके ईमान से मुझे अंग्रेजी हुकूमत की बुआ थी। ठीक है, मारना चाहता है ना मुझे, ले मार। इस रिवॉल्वर की एक एक गोली मेरे सीने में उतार दे, मेरे जिस्म को बारूद से भर दे, लेकिन मेरी बात का यकीन कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मातरम, ये तुझे क्या हो गया है अबे? तू क्यों नहीं यकीन करता इस पर? बोल, क्या बोलना चाहता है? इस ऊंची टेकड़ी पर ये जो किला है ना अबे, यहाँ अंग्रेजी सरकार की खुफिया छावनी है, जहाँ पर उन्होंने अपना असला बारूद इकट्ठा करके रखा हुआ है। हमें इस बारूद को अपने कब्जे में करना है। कैसे? यहाँ तक पहुँचने के तीन रास्ते हैं, मगर हम इस कच्ची सड़क को पकड़ेंगे। परसों रात के वक्त धाबा बोल सकते हैं। परसों रात क्यों? कल सुबह क्यों नहीं, पहले पहर? ये काम इतना आसान नहीं है भाई, इसके लिए हमें बहुत सारे साथियों की जरूरत पड़ेगी। तुम उस बात की चिंता मत करो, बस एक आवाज और उसकी गूंज, काफिलों के काफिले खड़े हो उठेंगे। पहले मैं उस खुफिया दरवाजे से किले के अंदर जाऊंगा और वहां सारे सैनिकों को मारूंगा, इसके बाद तुम्हें इशारा करूंगा, तब तुम आना। मैं भी तेरे साथ चलूंगा तेजेश्वर। ठीक है, चल। अभय, जा, तेरा रब राखा। चलो, वेल डन सिंघाल, यू आर वेरी क्लेवर। सांप पर झिल्ली चढ़ जाने से उसका जहर कम नहीं हो जाता है सर। आप अकेले अभय की बात कर रहे थे, मैं आज पूरे मुल्क की क्रांति को यहां पर दफना दूंगा। तू भाग जा। भागता हूँ। ये तू क्या कह रही है नंदिनी? क्रांति का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तू रहेगा तो ये जाएगी। नंदिनी, एक अभय के मर जाने से इस मुल्क की नब्ज नहीं थम जाएगी, ये जंग जारी रहेगी। अजय,
क्या हो गया मुझसे? मैंने क्यों उस पे विश्वास किया? क्यों? मैं अपने आप को कभी नहीं माफ करूंगी, कभी नहीं माफ करूंगी। दम तोड़ ही दिया ना तेरी क्रांति ने, तो भी लहूलुहान, तेरी क्रांति भी लहूलुहान। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तेरी ही आंखों के सामने तेरे लाल को उस राक्षस ने मारा और तू खामोश नहीं? कैसी माँ है तू? तेरा कलेजा नहीं फटा? ठीक है, अगर यही तेरा फैसला है तो न्याय भी तुझे ही करना होगा। ये जन्म तुझ पे कर्जा है माँ, ये जन्म तुझ पे कर्जा है। क्या समझता है अभय को मारकर तू मुझे हासिल कर लेगा? नहीं, कभी नहीं। मैं अभय की थी, उसकी हूं और जन्म जन्म उसी की रहूंगी, समझा? सुना तूने? उसने पुकारा है मुझे, वो आ रहा है। इस युग के माथे पर तेरा विनाश लिखने आ रहा है वो। Thank you.
मुझे रब से प्यार था, रब से प्यार है, रब से प्यार रहेगा, लेकिन दिल भर भर के लहू मेरी रग रग में बहेगा। वही शक्ल, वही जख्म, वही कंधा। आज से कई साल पहले मैंने एक ऐसे ही पेशेंट की गोली ठीक यहीं से निकाली थी। जाहिर सी बात है, तुम वो नहीं हो सकते। जिंदगी भी अजीब इत्तेफाक दिखाती है। ये इत्तेफाक नहीं है डॉक्टर साहब, सच है। नहीं, तुम अभी नहीं हो सकते। वो तो शहीद हो गया था, मारा गया था डॉक्टर साहब, मुझे धोखे से मार दिया गया। मगर मरकर कोई वापस कैसे आ सकता है? कैसे तो वो जानता है, मगर क्यों उसका पता मुझे चल चुका है। मंत्री जी ने कुर्सी। साथियों, एक बार फिर आम चुनाव हमारे सामने है।
पिछले कई वर्षों से हमारी सबसे पहली कोशिश रही है कि हम निर्बलों को शक्ति दें, प्यासों को झरने और नदियां दें और भूखों को लहलहाते हुए खेत दें। आज शहीद अभय सिंह जी की पुण्यतिथि है, तो आइए आज के दिन हम सब शपथ लेते हैं कि हम जीवन भर शहीद अभय सिंह जी के दिखाए हुए रास्तों पर चल पड़ी चिन्हों पर चले। मंत्री जी की कुर्सी शहीद अभय सिंह, शहीद अभय सिंह, शहीद अभय सिंह। क्या अभय सिंह अमर रहे? अमर रहे भैया, वो तो शहीद हो गया। मंत्री जी तो जिंदा है ना, बात करते रहोगे, इनकी बात भी करोगे? मंत्री जी जिंदाबाद, डॉक्टर ये सिर्फ अभय और नंदिनी की प्रेम कहानी नहीं है, ये जन्म कुछ और कर्जों को उतारने का भी है। अंजलि कहाँ है? जी वो मैं, मैंने पूछा अंजलि कहाँ है। नमस्ते। नमस्ते। जय गोलागी राजवी जय। मुझे यहाँ क्यों पकड़ के रखा है तुमने? I want to go back, okay? ये आप हमें हमारा सामान दे दीजिए, and we shall let you go. What सामान? I don't know what the hell he's talking about. ये क्या बक रही है? हमारे 5 करोड़ का सामान होटल से गाड़ी में लेके आए कि नहीं? सामान, सामान, ओ जीसस, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक तो मैं इंडिया पहली बार आई और किसी ने मेरा किडनैप किया, आप लोगों ने मेरी जान बचाई और अब आप कह रहे कि शिट, पागल हो गया? कितनी उम्मीदें, कितने सपने लेकर आई थी मैं यहाँ। मैंने सुना था कि हिंदुस्तानी लोग बड़े अच्छे होते हैं, वेरी काइंड हार्टेड, पर आप, आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री, ओके? आप सच कह रही हैं? नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं पागल हूँ ना? ब्लडी हेल, लुक, आई वांट टू गो होम और आई विल डाई, जस्ट कॉल माय पेरेंट्स, समबडी, व्हाई इज नोबडी बिलीविंग मी? हे, रिलैक्स, डोंट शाउट, आई बिलीव यू। लगता है हमारे आदमी से कुछ गलती हो गई है, मैं माफी चाहूंगा। इन्हें मालूम नहीं मेहमानों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। राजवीर, क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है? अंकल प्लीज, हर बात का एक तरीका होता है। हाँ। एक सलीका होता है। एक खूबसूरत लड़की के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये मैं आपको कैसे समझाऊं? ये हमारी मेहमान है। क्यों है? अंकल, क्यों है? ए, रिलैक्स, गो, गो। इकार कर गो आए, इकार हो। By the way, I'm Rajveer Singhal. I'm Anjali. Anjali Thapar. Thank God. I feel now I'm secure. Please make yourself comfortable. Thank you. Who is this man? My father, Tejeshwar Singhal. Stunning personality. Thank you. Main mil sakti hu unse? Soon. Very soon. Aapki ye khwahish bhi hum jaldi puri kar denge. आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे ना? अंजलि की जान खतरे में है। अंजलि ही नंदिनी है, आई मीन नंदिनी ही अंजलि। मैं अभय हूँ, हम इस समय दोबारा मिले, पर आप है कि? और मेरी बहन गायत्री कहाँ होगी? वो, और वो सिंघाल, उसने ही मारा था मुझे, मेरी नंदिनी को। वो कातिल है, वो कातिल तेजेश्वर सिंघाल। और आप मेरी बात का कैसे समझाऊं कि ये हमारा पुनर्जन्म है? Shut up. दोबारा पुनर्जन्म की बात करेगा तो इस जन्म से भी हाथ धो बैठेगा। Now, keep quiet. लगता है सामने एक्सीडेंट हुआ है सर। कोशिश मत करना, रुक जाओ करण, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मेरे सर पर खून सवार है, मुझे अंजलि से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अजय ड्रॉप द गन, ड्रॉप इट, ड्रॉप इट। Thank you.
आ गया अभय। अभय कहाँ है तू? देख देख मुझे तंग मत कर। हाँ मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तू नहीं आया तो फिर लेकर घूमते फिरना अपनी सुनी कलाई को। 1, 2, 3। बदमाश, क्या कर रही है? क्या कर रही है? बहन को बंदूक दिखाता है। चल राखी बांध, क्या कर रही है? ये क्या किया दीदी, हाथ जला दिया? जलाया नहीं, ये तो आंच की गर्मी से तेरे हाथ से हथियार गिर गया। अब पता चला कितनी शक्ति है लौ की पवित्रता में, अहिंसा में। आज राखी वाले दिन भी तू मुझे हिंसा और अहिंसा का भाषण देगी? और तू अपनी बहन को बंदूक दिखा राखी वाले दिन, वो ठीक है? तुझे क्या लगता है ये हाथ जो तेरी रक्षा के लिए बने हैं ऐसा कर सकते हैं? हाँ तो ला फिर इस रक्षा के बंधन को मैं और भी मजबूत कर दूं। अब ऐसे क्या देख रहा है, हाथ आगे बढ़ा। सज्जनगढ़ सिंघाल का इलाका है। बॉर्डर के पास होने की वजह से वहां स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आर्म सप्लाई की रिपोर्ट्स कंफर्म्ड है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि सफेद खादी की आड़ में काले धंधे हो रहे हैं सर। मगर उनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, वो भी बगैर सबूत के? सर मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जो उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। रियली? देन गो अहेड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तुम्हारे बाद भी सिंघाल के वैशी इरादों को चैन नहीं आया, वो अपने जुनून में दरिंदा बन गया था। उसने निहत्ते क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाई, उन्हें रौंदता गया। का खून जाया नहीं जाएगा, वो आएगा, मेरा अभय आएगा खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने। ये श्राप है तुझे एक कहानी का, तेरा वो हश्र होगा कि तेरी चिता को भी अग्नि देने वाला कोई नहीं होगा। ये तू क्या कह रहा करण? ये मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता, पर ये सच है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा बीएमडब्ल्यू में, पागल हो जाऊंगा। डार्लिंग तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं तेरे पास। डार्लिंग ये अंजलि कहां है? मैं नहीं जानता, लेकिन वो रहा। हेलो। हाँ बोलो। आइए सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम सर, करण अभी अभी यहीं था सर, पता नहीं कहां चला गया। डोंट वरी, अब उसकी दौड़ ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। Hey, don't worry at all, he'll like you. पापा देखिए आपसे कौन मिलने आए हैं। अंजनी? She's अंजलि, अंजलि थापर। डैड ये हमारी मेहमान है। हेलो। डैड अंजलि आपसे हेलो कह रही है। लगता है इन्हें कोई याद आ गया मुझे देखकर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले कहीं आपसे मिल चुका हूँ? कहीं पिछले जन्म में तो नहीं? Dad, Anjali's here for the first time. Anyway, happy birthday, Dad. ऐसे नहीं सर, तिलक लगा के। Ladies first. लीजिए। Please.
जन्मदिन मुबारक हो मिनिस्टर साहब। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आवाम की कोई पहचान नहीं होती। वैसे नाचीज को सिकंदर बख्श कहते हैं। डीसीपी स्पेशल ब्रांच न्यू दिल्ली। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपसे एक जरूरी बात करनी थी। फरमाइए। अंदर चल के बात करें तो बेहतर होगा। आइए। हमारी जान को खतरा लगता है, आपके डिपार्टमेंट से कहीं कुछ गलती हो गई है डीसीपी साहब। यहाँ हमारी सत्ता है, हमारी आवाज है, भला यहाँ पर हमें अपनी रक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? नहीं नहीं डीसीपी साहब, आपसे कुछ चूक हो रही है, एक बार फिर पूछ लीजिए आप अपने उच्च अधिकारियों से। ये दिल्ली से ऑर्डर है। कमाल है, बात को समझ नहीं आई हमारे। समय कब करवट ले कौन जाने, न जाने हवाएं कब अपना रुख बदल लें। हमारे लिए बेहतर यही है कि हम एहतियात बरतें। आपकी हवेली के चारों तरफ हमने 20 एक सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए हैं, जिनकी इजाजत के बगैर ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डीसीपी साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है। मंत्री जी, आप जानते नहीं कि आप हमारे लिए कितने कीमती हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो। श्रीमान, आप जरूरत से ज्यादा भावुक और भयभीत हो रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आ गया प्यार की खातिर कम था जीवन यारा, इसलिए आए दुनिया में दोबारा। आँखों से दिल की सारी बातों को बोली, आजा दिल से लग की
जुदा हो ऐसे हम एक हो ले। तुम हर वक्त मेरे करीब थे, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढती रही, मंजिल तक पहुंचकर भी मंजिल को तलाशती रही। बहुत से तूफानों से गुजर कर मिले हैं हम, पर अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। शाबाश, वेरी गुड। तुम उसे मारना चाहते हो, बहुत ही आसान तरीका है, बस उसके सीने पर एक गोली दाग दी। मगर उसके बाद क्या होगा, तुम्हें तो फांसी हो जाएगी और तुम्हारे बुत के साथ उसका भी एक बुत बन जाएगा, और आने वाली पीढ़ी महात्मा समझ के उसकी भी पूजा करेगी। नहीं करण, हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि उसका नकाब जनता के सामने उसके चेहरे से उतारें। देशद्रोही है वो, बहुत जुल्म किए हैं उसने, उसके लिए इतने आसान मौत, नो नॉट इनफ। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका फंदा कसूंगा, ताकि वो तड़प तड़प कर खुद अपनी मौत की भीख मांगे। मौत मिलेगी उसे, मगर खैरात में। अब ये सिर्फ तुम्हारा युद्ध नहीं, हम सबका युद्ध है, धर्म युद्ध। हमें किसी भी कीमत पर हथियारों की डिलीवरी कल शाम तक बॉर्डर के उस पार पहुंचानी है। उस डीसीपी ने तो हमारे नहाने पर भी सिपाही लगा दिए हैं। समझ में नहीं आता कि यह काम कैसे होगा। सर जी कल की रैली का हो गया बंदोबस्त, कुर्सी पकड़ के। सर, कल सज्जनगढ़ से 25 ट्रकें नौनीपुर के लिए रवाना हो जाएंगी, और उधर सीमापुर और बादलनगर से 2000 युवा कल क्रांति मैदान में पहुंच जाएंगे। बैनर, पोस्टर, खाने पीने का सारा बंदोबस्त। आई लव यू नैनो बेबी, आई लव यू। थैंक यू जूनियर मंत्री जी। श्रीमान नैनसुख पाठक जी, आप जरा जी, नो प्रॉब्लम सर। ओके सर, गुड नाइट सर। बाबू जी, कल अगर हमारे 3 ट्रक रैली के साथ में हथियार लेकर निकले और सीमापुर पहुंचकर रैली से टूटकर गाजीपुर की तरफ बढ़े, तो वहां से तो बॉर्डर 5 किलोमीटर है। जी, लेकिन वहां तक ट्रक ले जाएगा कौन? डोंट वरी डैड, आई विल डू इट। मैं ले जाऊंगा। तू ले जाएगा? मैं हूं ना, मैं ले जाऊंगा। लव यू चाचू बेबी, आई लव यू। मंत्री जी की जय। रैली सीमापुर की तरफ बढ़ रही है, सिक्योरिटी में कोई ढील नहीं आनी चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जन कल्याण पार्टी, जिंदाबाद, मंत्री जी की जय। उमर इतला उसे ढीले के रजिये में मोड़ाया, मैं दिल मैं निकला वो गड़ी लेके। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। पहले तो तुमने 5 करोड़ कमाए, अब ये 3 ट्रक। गाने का अगर इतना ही शौक है तो बोलो, तुम्हारे पैरों में घुंघरू बंधवा देता हूं, नाचते रहना उम्र भर। मैं बचा कर रहा। आपके बाबा आई गए, मैंने अपनी जुबान कटवाई, वहां बटे 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 चलाया चला क्या करता मैं।
गोली मार लेता हूँ अपने आप को, गोली मार लेता हूँ। छोड़िए चाचू, जंप लगा। बाबूजी, डीसीपी साहब। डीसीपी साला। पधारिए पधारिए डीसीपी साहब। नमस्कार। कहीं हम गलत वक्त पे तो नहीं आ गए मंत्री जी? कैसी बातें करते हैं आपके लिए तो हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, और फिर आपके लिए क्या गलत और क्या सही वक्त। लो, खिसक गई मंत्री जी की कुर्सी। इतना बड़ा धमाका, ऐसा लगता है कि कोई पूरे शहर को उड़ा देना चाहता था। बताइए, अब चुनाव प्रचार का आयोजन भी नहीं किया जा सकता हमारे मुल्क में, क्या हालत हो गई हमारे मुल्क की? जो ट्रक्स पकड़े गए हैं वो आपकी कंपनी के। अब खाने में जहर तो कोई भी मिला सकता है डीसीपी साहब, या तो आप महाराज पे भरोसा करें और नहीं तो खुद बना के खाने की आदत डालें। आपको किसी पर शक? मुझे इसमें विरोधी पार्टी का हाथ नजर आता है। सर जी, वो रुद्रा साहब बता रहे थे वो आदमी वंदे मातरम वन। जी पाठक जी। ये वंदे मातरम तो लोग आजादी से पहले कहा करते थे। आप कहना क्या चाहते हैं? कहें ऐसा तो नहीं कि आजादी से पहले का आपका कोई दुश्मन हो। खैर, मिस्टर नायर। यस सर। कम से कम 10 सिक्योरिटी ऑफिसर्स इनके घर के अंदर तैनात करो। ओके सर। ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी नौकरी और आपकी हिफाजत। लेट्स गो बॉयज। बज गई मंत्री जी की घंटी। कोई है तो नहीं? नो सर, यहां कोई नहीं है सर। यहां तो कोई भी नहीं है। वो था, यही था वो। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। आपको आराम की जरूरत है। शुभ रात्रि। डैड। बाबूजी, आइए आइए। छूट गए मंत्री जी के पसीने। प्रणाम डैड। डैड, आई वुड लाइक यू टू मीट अंजलि'स फादर, जयंती प्रसाद जी। नो नो, जयंती प्रसाद जी नहीं, श्री श्री जयंती प्रसाद जी, धनसुख लाल महावीर लाल गोयनका। हेलो, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी बहुत खुशी हुई। पॉइंट की बात यह है कि हमारी बेटी डार्लिंग है ना, इसको तुम्हारा बेटा डार्लिंग बहुत पसंद आ गया है। भागवीर। पापा, क्या फर्क पड़ता है बेटी डार्लिंग अब सिंघाल डार्लिंग? क्या है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इजिप्ट के अंदर मेरे पास 3,000 acres पर नारियल का बाग है। अफगानिस्तान में 300 acres जमीन है जहां पर मूंगफली उगती है, और 8 जहाज पानी हैं। के? पानी के 16 और 2 submarines हैं। वो क्या है सिंघाल साहब, ये तो मेरी बेटी है ना, कभी कभी अंडर वाटर पिकनिक के लिए जाती है अपनी सहेलियों के साथ। सहेलियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि एक सबमरीन पूरी नहीं पड़ती। इकलौती है ना। अब देखो, जिद कर रही है कि इसको मून पे जाना है। मैंने इसको समझाया कि बेटी डार्लिंग, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, हनीमून के लिए मून पे चली जाना सुरवीर के साथ। नहीं सर, सुरवीर नहीं सर, राजवीर है। राजवीर। क्या फर्क पड़ता है सिंघाल साहब? अब क्या बोलूं हजूर, वो क्या है कि मेरा जो बिजनेस है ना, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका, रोम, पेरिस, हर जगह। जो भी संपत्ति धन दौलत मेरे पास है वो मेरी नहीं है, वो आपको तो ये बेटा है ना, दानवीर की है। दानवीर तो आप, ये तो बस राजवीर। तो मैं फिर शादी की कौन सी तारीख पक्की करूं? हम अपने कुल ब्राह्मण से पूछ के आपको खबर करते हैं। वेरी गुड। तुमको तो ये रिश्ता पसंद है ना रणबीर? कैसी बातें कर रहे हैं आप महावीर जी? आपके परिवार के साथ रिश्ता तय करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वाह। समझे। मंत्री जी के तो खुल गए खाते स्विस बैंक में। नानसुख। सर। हाय हनी, लुकिंग स्टनिंग, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कहीं मेरे पापा मुझे गलत न समझे, यू नो कि उनकी बेटी
प्यार में अंधी होकर किसी छोटे से गरीब खानदान में शादी करने जा रही है, you know what I mean? शायद तुम्हारे पापा जानते नहीं कि मेरे पापा के पास कितनी दौलत है। कितनी भी हो, but that's an Indian currency, right? My father's money is in pounds. Your 100 crores, my papa's 750 crores makes a difference. You know, honey, हम अपना पैसा दिखा नहीं सकते क्योंकि मेरे पापा एक मिनिस्टर हैं। लाखों सवाल उठेंगे। We've got a lot of businesses, लेकिन बयान नहीं कर सकते। अगर गिनने पर जाएं, तो तुम्हारे पापा के पास एक चौथाई भी नहीं होगा, जितना हमारे पास है। Oh really? कहाँ है वो पैसा? मेरे पापा की तस्वीर के पीछे, एक लॉकर में। Yeah? Can we have a look at it? We have to punch in a code to open the locker. Oh, tell me the code. Come on. I'm sorry, honey. I can't tell you that. God, you're impossible. secret, damn it, huh? What's wrong with you, sweetie? Why are you getting upset? Don't talk to me. मैंने सुना था कि पति और पत्नी के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होता। तुम तो अभी से सीक्रेट रखते हो। शादी के बाद क्या करोगे? जाओ। मैं भी नहीं बताती कि मेरे पापा का सारा पैसा कहाँ छुपा हुआ है। सर ने दो सारा पैसा स्विस बैंक में। Okay, बाबा, don't get angry. The code is 364-5621. 364-5621. हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। Hit me, baby, one more time. No. Then kiss me, baby, one more time. Yeah. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। Come what may, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना come what may. Come. Oh!
क्या बात है? चलो किसने मारा इसे? इसने अरेस्ट हिम ्यो अव्यम ओम यमाय नमः ओम अंतकाय नमः ओम रत्वे नमः स्वाहा। कमेंट टीम टू कमेंट। हाँ मिनिस्टर साहब कार पार्क की तरफ आ रुकी। बहुत अफसोस हुआ हमें मंत्री जी। बहुत शर्मनाक हरकत है ये डीसीपी साहब, बहुत शर्मनाक। वो जो भी होगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेजेश्वर सिंघाल के बेटे की मृत्यु हुई है डीसीपी साहब, तेजेश्वर सिंघाल के, और आप अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए। ऐसी बात नहीं है मंत्री जी, कातिल पकड़ा गया है। आइए मेरे साथ। ये रहा आपका मुजरिम। मैं जानता हूँ ये आपका भाई है। मौके वारदात पर मिले तमाम सबूतों से साफ जाहिर होता है कि ये आदमी कातिल है। और इस कत्ल की चश्मदीद गवाह आपकी मेहमान अंजलि है। अपने ही घर में भक्षक को पाल के रखा था मैंने। डीसीपी साहब इसे आप मेरे हवाले कीजिए। कानून को आपके हाथ में मत लीजिए। आपका नाम है, इज्जत है, रुतबा है। कानून को फैसला करने दीजिए। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो। बाबूजी आइए। कानून ने तो उखाड़ दिए मंत्री जी के रिश्ते। कोई हमदम ना रहा, कोई आया ना रहा। गाड़ी रोको। हम किसी के खोल दो इसकी हथकड़ी। तुम बेकसूर हो रुद्रा, आजाद हो, जाओ। एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर। बाबूजी, बाबूजी हमारा फार्म हाउस वाला लॉकर खुला पड़ा है और उसमें से हर चीज गायब है। कोई है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। वो एक बार मेरे हाथ लग जाए तो लव यू बेबी, लव यू बेबी। चिंता मत करो, वो जो भी होगा हमारे सामने आएगा। लॉकर में एक सीक्रेट कैमरा है। Love you, baby. नंदिनी अब है कि नंदिनी? तुम नंदिनी नहीं हो सकती। हमने फिर से जन्म लिया है तेजेश्वर, तेरा नाश अब है के हाथों है। असंभव है, असंभव है। मेरी दी हुई मौत दोबारा मेरा सामना नहीं कर सकती।
इन्हीं हाथों से, अपने इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से मारा था मैंने अभय को। ये जन्म हमने मांग कर लिया है तेजेश्वर, अपनी बर्बादी का हश्र देखना चाहता है तू? तो चला टीवी और देख, सारे सबूत तेरे खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ की दुहाई मांग रहे हैं। सीबीआई की स्पेशल ब्रांच ने एक उच्च स्तरीय बैठक में तेजेश्वर सिंघाल के खिलाफ जो सबूत पेश किए उनके आधार पर उन्हें देशद्रोही करार दिया गया है। स्पेशल ब्रांच के डीसीपी सिकंदर बख्श ने बताया कि सिंघाल की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। घेराबंदी कर लो। तेजेश्वर सिंघाल, पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर दिया है, बेहतरी इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्या हुआ तुम्हें? सर जी, मेरी चिंता मत करो, अंजलि को बचा लो, वो अंजलि को ले गए। साहब जी, साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं अभी खुलता हूँ मंत्री जी की पोल। कहाँ हो तुम? वी आर वेटिंग फॉर द चॉपर। कितना वक्त और लगेगा? 5 मिनट्स। ओके, बी क्विक। ओके बाबूजी, कुछ ही देर में हमारा हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है। आज हम हमेशा के लिए इस देश की सरहद को पार कर जाएंगे। उड़ता तो वो है सिंघाल जो आजाद है, तुझे तो अभी बहुत से कर्जों की कीमत चुकानी है। अगर तू अभय और तेरी मौत को मेरी जिंदगी का कर्ज मान रही है तो विश्वास रख, इस जन्म में भी मैं तुम दोनों को मिलने नहीं दूंगा। हमारे मिलन की तो सैकड़ों जन्म तय है सिंघाल, पर तेरा ये आखिरी जन्म है। किसका आखिरी जन्म है ये तुझे अभी मालूम हो जाएगा। Love you, baby. हवाओं ने रुख बदल दिया है, गौर से देख, वो अब के बरस तेरी तरफ तूफान बन के बढ़ रही है। ये वही जमीन है जहां पर ना जाने तूने कितने देशभक्तों का खून बहाया। इसकी मिट्टी आज भी सुर्ख है और पुकार रही है वंदे मातरम। सुन रहा है उस शहीदों की ललकार? सुनाई दे रहा है तुझे? इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, मैं आज भी दोहराएगा। वंदे मातरम। एक मिनट, सलीम लंगड़े। ए, कौन बोला रे? नवाज शरीफ। हाँ पंडित जी। परवेश चश्मीश। हाँ भाई। Oh,
God kill you! God! पाप कर्म का अंत तो होता दुखद अपार, पापी को संहारने प्रभु आते बारंबार। सिंघार, खेलना मत। डाली आतंकवाद की गर्दन। मरता है आदमी 100 बार जन्म लेता है, हिम्मत की कोख से अवतार जन्म लेता है। देशद्रोही को खत्म किया है तुमने। हम सरकार से इल्तजा करेंगे कि तुम्हारे साथ वो रियायत बरते। अंजलि, गुनहगार तुम भी हो, तुम्हें भी सजा मिलेगी। इधर आओ, हाथ लाओ। मैंने तुम दोनों को ऐसे बंधन में बांधा है जो जन्मों जन्मों तक नहीं टूटेगा, और तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। We'll be right back.